क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में न जाने कितने ऐसे मौके आए हैं जब दर्शकों ने किसी खास क्रिकेट मैच को नतीजे से परे दो बड़े खिलाड़ियों के बीच होने वाली राइवलरी के तौर पर देखा है। ये जरूरी नहीं कि वो राइवलरी दो देशों के बीच हो, बल्कि कई बार एक ही देश के दो खिलाड़ियों के बीच भी आपसी प्रोफेशनल राइवलरी देखी गई है। दो देशों के खिलाड़ियों के बीच की बात करें तो सचिन वार्न, लारा मैग्रा, विराट एंडरसन और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण इतिहास में रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए एक ही देश के दो खिलाड़ियों के बीच राइवलरी की, तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है वकार यूनुस और वसीम अकरम। और इसकी फहरिस्त को बढ़ा लिया जाए तो जो नाम आता है तो वो है ब्रॉड एंडरसन। पर अगर बात की जाए सबसे यादगार और रोमांचक राइवलरी की, तो उसमें सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दो महान खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है तो शेन वार्न को स्पिन के जादूगर के नाम से जाना जाता है। The Australian bowling attack struggled. Even Shane Warne wasn't spared the treatment as Sachin ran amok. It ended as Sachin was dismissed for only 4 runs, falling to a rash stroke off Warne. इन दोनों के बीच हुई हर भिड़ंत में क्रिकेट फैंस को एक खास रोमांच देखने को मिला और उनके बीच की इस टक्कर ने क्रिकेट की दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बनाई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और क्रिकेट माइंड आज से शुरू करने जा रहा है एक नई सीरीज जिसका नाम है बैटल बिटवीन द बेस्ट। सचिन तेंदुलकर वर्सेस शेन वार्न। ओह दैट्स आउट, ही गॉट हिम। ब्यूटीफुली बॉल्ड बाय शेन वार्न। व्हाट अ स्पेशल 100 फॉर अ ग्रेट क्रिकेटर एंड अ लवली मैन। सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न दोनों ही क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी थे। सचिन एक बेहतरीन बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी तकनीकी और क्षमता से दुनिया भर के गेंदबाजों को मात दी। वहीं शेन वार्न एक महान लेग स्पिनर थे जिन्होंने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से विपक्षी टीमों को हराने में अहम भूमिका निभाई। सचिन और वार्न की टक्कर 1990 के दशक में सबसे ज्यादा देखी गई, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबलों में ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए धुरी बने रहते थे। सचिन तेंदुलकर अपनी उत्कृष्ट तकनीकी, धैर्य और शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते थे। उनके बैकफुट और फ्रंट फुट पर खेली गई ड्राइव्स और कट शॉट्स किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर देती थी। सचिन का संयम और मैदान पर उनकी उपस्थिति खासतौर से बड़े मैचों में हमेशा टीम के लिए मोटिवेशनल होती थी। वहीं शेन वार्न की लेग स्पिन कला अपने आप में एक जादू थी। वार्न की गेंदें इतनी ज्यादा टर्न करती थी कि कई बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझ नहीं पाते थे। उनकी गुगली और फ्लिपर विशेष रूप से बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती थी। वार्न की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी विविधता और मानसिक खेल था। तेंदुलकर ने पहली बार वार्न को 1992 में ऑस्ट्रेलिया टूर में खेला। तब वार्न नए थे, उनका उतना क्रेज नहीं था, इसलिए सचिन उनको आसानी से खेल गए। 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज, जिसे टाइटन की लड़ाई कहा गया। इस टेस्ट में सचिन और वार्न की राइवलरी अपने चरम पर थी। खासतौर से चेन्नई टेस्ट में हुई सचिन और वार्न की भिड़ंत ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी। पहली पारी में शेन वार्न ने सचिन को चुनौती दी, लेकिन दूसरी पारी में सचिन ने मैदान पर वापसी की और एक शानदार शतक लगा करके वार्न को ध्वस्त कर दिया। उस पारी में सचिन ने वार्न की हर चुनौती का जवाब दिया और 155 रन की नाबाद पारी खेली। सचिन ने उस पारी में वार्न की गेंदों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और उनके हर मूव को समझते हुए बड़े शॉट्स खेले। यह मैच उस समय के सबसे बड़े यादगार मुकाबलों में से एक था। ये वही साल था जब शेन वार्न रफ से बॉल स्पिन कराया करते थे। सीधी भाषा में समझाएं तो सचिन के लिए वार्न की गेंद लेग स्टंप के बहुत बाहर से पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की ओर घूमती थी, लेकिन सचिन ने आगे बढ़ बढ़कर उनकी गेंद को रफ पर पड़ने ही नहीं दिया। सचिन की इस पारी के बाद शेन वार्न ने एक बार मजाक में कहा था कि सचिन की उस पारी के बाद मुझे रात में सचिन के सपने आते थे। जब भी मैं सोने जाता था मुझे लगता था कि सचिन एक बार फिर से मेरी गेंदों पर छक्का मार रहे हैं। और 2001 में एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज हुई। यह सीरीज भी बेहद रोमांचक रही, जिसमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया मैच सबसे खास था। हालांकि इस बार सचिन और वार्न के बीच ज्यादा टक्कर देखने को नहीं मिली, लेकिन यह सीरीज भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज में से एक थी। हैरत की बात यह थी कि भारत की गड्ढे वाली पिच पर शेन वार्न ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। वजह थी मेंटल अलर्टनेस। अरे भाई, सभी को पता था कि भारत की पिच क्या करती है, इसलिए सभी बैट्समैन शेन वार्न को प्री डिटरमाइंड होकर के खेले। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हरभजन को कई सफलता मिली, तो उसका जवाब यह है कि भज्जी नए बॉलर थे और उनका एक्शन और स्ट्राइड कॉपी बुक स्टाइल नहीं था। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं, वनडे क्रिकेट में भी सचिन और वार्न की राइवलरी देखने लायक थी।
1998 के शारजा में खेली गई डेजर्ट स्टॉर्म सीरीज में सचिन ने वार्न के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उस सीरीज में सचिन ने लगातार 2 शतक जड़े और वार्न को कोई मौका नहीं दिया। सचिन की ओपारी आज भी वनडे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन पारियों में गिनी जाती है। हालांकि मैदान के अंदर ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन मैदान के बाहर इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। सचिन और वार्न दोनों ही एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे। सचिन ने कई बार कहा है कि वार्न उनके समय के सबसे मुश्किल गेंदबाजों में से एक थे और वार्न ने भी हमेशा सचिन की बल्लेबाजी की तारीफ की। शेन वार्न ने सचिन के बारे में एक बार कहा था कि सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है जिनके खिलाफ मैंने गेंदबाजी की है। उनके पास अद्भुत तकनीकी और धैर्य, हमेशा मैदान पर एक कदम आगे रहते हैं। सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न की राइवलरी में सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक ताकत का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खेल को गहराई से समझते थे और हमेशा एक दूसरे को मात देने की रणनीति बनाते रहते थे। वार्न अपनी विविधता भरी गेंदबाजी से सचिन को फंसाने की कोशिश करते थे, तो वहीं सचिन अपनी तकनीक और मानसिक तैयारी से वार्न की हर चुनौती का सामना करते थे। सचिन की एक खासियत ये थी कि वार्न को खेलने के लिए हमेशा एक अलग मानसिक तैयारी करते थे। 1998 की उस चेन्नई टेस्ट पारी से पहले सचिन ने कई घंटों तक नेट्स में बॉलिंग मशीन से लेग स्पिन गेंद खेली थी ताकि वो वार्न की स्पिन को अच्छे से समझ सके। उन्होंने खास योजना के तहत वार्न को अटैक करने का निर्णय लिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वार्न को रक्षात्मक तरीके से खेला गया तो और भी खतरनाक हो सकते हैं। इस तैयारी और मानसिक मजबूती के कारण सचिन ने वार्न के खिलाफ हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश की। वहीं शेन वार्न भी सचिन को आउट करने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार करते थे। उन्होंने कई बार अपनी गेंदबाजी की लय को बदला, गुगली का इस्तेमाल किया और पिच पर अलग अलग क्षेत्रों पर गेंदबाजी की। वार्न के मुताबिक सचिन को आउट करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत थे। वार्न ने खुद कई बार स्वीकार किया है कि सचिन की बल्लेबाजी का अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल था। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत ही अलग और परिपक्व रूप दिखाया। इस सीरीज में शेन वार्न की गेंदबाजी का सामना करते हुए सचिन ने एक बेहद धीमी लेकिन प्रभावी पारी खेली। उस पारी में सचिन ने वार्न के खिलाफ पूरी तरह से रक्षात्मक रणनीति अपनाई और एक भी बड़ा शॉट नहीं खेला। उन्होंने 200 गेंदों पर केवल 16 रन बनाए, उनकी बल्लेबाजी शैली से बिल्कुल विपरीत था। इस पारी को देख करके लगा कि सचिन ने अपने खेल को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जहां वो न केवल आक्रामक होकर बल्कि धैर्यपूर्वक भी खेल सकते हैं। यह उनकी मानसिकता और अनुभव का परिणाम था कि वो खेल के हर पहलू में माहिर होते जा रहे थे। शेन वार्न ने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और इसके साथ ही सचिन और वार्न की ऐतिहासिक राइवलरी का अंत हुआ। हालांकि वार्न के रिटायरमेंट के बाद भी उनकी और सचिन की दोस्ती और परस्पर सम्मान का सिलसिला जारी रहा। वार्न ने कई बार कहा कि सचिन उनके समय के सबसे महान बल्लेबाज थे और उन्हें उनकी बल्लेबाजी की कला का सम्मान करना बहुत जरूरी था। जिस तरह सचिन ने भी वार्न को क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेहतरीन स्पिनर बताया। एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा था कि शेन वार्न के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौती होती है, उनकी गेंदबाजी में उनकी विविधता और चालाकी थी। एक छोटी सी भी गलती आपको आउट कर सकती है, लेकिन मुझे उनकी गेंदबाजी का सामना करने में हमेशा मजा आया। शेन वार्न के रिटायरमेंट के बाद जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो इस टूर्नामेंट में सचिन और वार्न की दोस्ती का एक नया अध्याय देखने को मिला। वार्न आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और कोच बने जबकि सचिन मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। जिस मंच पर वार्न और सचिन की राइवलरी अब कंपटीशन से ज्यादा दोस्ताना बन गई थी। आईपीएल के दौरान भी वार्न और सचिन ने एक दूसरे की खूब तारीफ की और एक दूसरे के खेल का आदर किया। वार्न ने एक बार कहा था कि मैंने हमेशा सचिन के खेल का सम्मान किया है, लेकिन अब जब मैं उनके साथ आईपीएल में हूँ तो मुझे उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी और समझ का और भी ज्यादा अंदाजा हुआ है। वो सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं है बल्कि एक महान इंसान भी है। कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने भी सचिन और वार्न की राइवलरी को लेकर के अपनी राय रखी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक बार कहा था कि सचिन और वार्न के बीच की टक्कर क्रिकेट की सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक थी। वार्न जैसा गेंदबाज और सचिन जैसा बल्लेबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो दर्शकों को हमेशा कुछ खास देखने को मिलता था। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव वॉन ने भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न के बीच की राइवलरी ने क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयां दी है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने समय के महान खिलाड़ी थे, उनका आपसे मुकाबला हमेशा ही क्रिकेट का प्रमुख आकर्षण रहा। सचिन तेंदुलकर और शेन वार्न के बीच की राइवलरी क्रिकेट के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक राइवलरी में से एक थी। मैदान पर उनकी भिड़ंत में सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक ताकत और खेल की गहरी समझ की भी परीक्षा होती थी। वार्न की स्पिन का जादू और सचिन की शानदार बल्लेबाजी का मुकाबला खेल प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। हालांकि दोनों खिलाड़ी अब क्रिकेट के मैदान से दूर हो चुके हैं और वार्न अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बीच की राइवलरी हमेशा के लिए क्रिकेट प्रेमियों की यादों में बसी रहेगी। सचिन और वार्न ने अपनी अपनी प्रतिभा से खेल को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है वो आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी राइवलरी क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो और हमारी ये नई पहल आपको पसंद आई होगी। आगे आप किन खिलाड़ियों पर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आगे भी वीडियोस देखने का मन है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।